नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मोबाइल से हम लोग फास्टैग का रिचार्ज किस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से जानेंगे। और इस वीडियो में हम लोग फोन पे का इस्तेमाल करके हम लोग रिचार्ज करने वाले हैं, तो यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप फास्टैग का रिचार्ज आसानी से कर सकते हैं, वो भी फोन पे के मदद से। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग फोन पे को ओपन कर लिए हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोन पे मेरा ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग रिचार्ज एंड पे बिल का ऑप्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिचार्ज एंड पे बिल्स का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम सी ऑल में क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे सी ऑल में क्लिक कर देते हैं तो सबसे ऊपर आप देखिएगा तो यहाँ पे रिचार्ज में मोबाइल रिचार्ज के बाद फास्टैग रिचार्ज का ऑप्शन है। तो यहाँ पे फास्टैग रिचार्ज में हमको वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप पहले किसी का रिचार्ज किए होंगे फास्टैग में तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा हमने पे किया था। तो अगर इसी में आप करना चाहते हैं तो वहीं पे आप क्लिक करके कर दीजिए। अगर दूसरे में करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू व्हीकल में आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो भी कंपनी का फास्टैग है, जैसे मेरा पेटीएम का है, तो यहाँ पे हम पेटीएम सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी कंपनी का है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो यहाँ पे हम अपना गाड़ी नंबर डाल देते हैं, आपका भी जो है वो आप देख के डाल लीजिए। तो यहाँ पे जैसे डाल के कन्फर्म कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक से यहाँ पे 1000 ले लिया है। तो हम यहाँ पे 1000 हम रिचार्ज नहीं करने वाले हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्लिक करके कट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम 500 डालते हैं, हमको 500 का रिचार्ज करना है। तो यहाँ पे हम 500 डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 40 रुपया अभी फास्टैग बैलेंस है, तो वहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम 500 डाल के प्रोसीड टू पे में हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 501 रुपया कटेगा। तो 1 रुपया कोई चार्ज कट रहा है, ये हम ध्यान नहीं दिए हैं किस चीज़ का चार्ज है, वीडियो बना रहे थे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 1 रुपया कटेगा चार्ज। उसके बाद यहाँ पे आपको व्हीकल नंबर चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रिचार्ज में क्लिक कर देना है। तो जैसे UPI पिन डाल दीजिएगा रिचार्ज में क्लिक करने के बाद, जो आपका पेमेंट है वो आपका प्रोसेसिंग हो जाएगा और पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। इस वीडियो को देख के आप आसानी से रिचार्ज कर पाइएगा। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।